ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे युवराज महाअरिमान सिंधिया भी प्रचार मैदान में कूद गए हैं। इस दौरान सिंधिया के बेटे ने पीएम मोदी की तुलना रामभक्त हनुमान से की। इस दौरान महाअरिमान ने युवाओं में चमकर जोश भरा। देखिए खास रिपोर्ट। महाराज के लिए चुनाव प्रचार में कूदे छोटे युवराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमान सिंधिया की तूफानी दस्तक। युवा सम्मेलन के जरिए युवाओं में जोश भर रहे हैं महाअरिमान। छोटे सिंधिया का बड़ा बयान, पीएम मोदी को बताया हनुमान। एमपी की सबसे चर्चित गुना शिवपुरी सीट पर जूनियर सिंधिया ने भी चुनावी मैदान संभाल लिया है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी के बाद अब उनके बेटे महाअरिमान सिंधिया ने भी चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस दौरान महाअरिमान के भाषणों में अपने पिता ज्योतिरादित्य का अंदाज नजर आ रहा है। युवाओं को संबोधित करते हुए छोटे सिंधिया ने पीएम मोदी की तुलना श्री राम भक्त हनुमान से करते हुए कहा कि पीएम मोदी हनुमान की तरह भारत के लिए संजीवनी ला रहे हैं। दरअसल शिवपुरी के पिछोर विधानसभा क्षेत्र में युवा सम्मेलन के जरिए युवाओं को एकजुट करने के उद्देश्य से पहुंचे महाअरिमान ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं उन्होंने कहा कि हम राजनीति में हो या न हो, यहां के लोगों से हमारा संबंध परिवार का है। देखिए, मेरे लिए ये पहली बार कैंपेन में जाना या पहली बार किसी क्षेत्र में जाना, स्पेशली गुना शिवपुरी और अशोकनगर के क्षेत्र में, ये पहली बार नहीं है। मैं हमेशा जाता रहता हूँ, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। और जो लोगों के साथ मेरा और इस परिवार का संबंध है वो सालों से है, और वो सालों से इसलिए है क्योंकि चाहे हम राजनीति में हो या ना हो, हमने यहाँ पे प्रगति लाया है, यहाँ पे विकास लाया है और हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए कुछ नई चीज़ नहीं है। मैं हमेशा से लोग के बीच में आ रहा हूँ। हाँ, चुनाव का माहौल है तो इसलिए थोड़े और लोग जोश में जाएंगे हम, लेकिन आम तौर पे ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। ये मेरा परिवार है और मैं हमेशा जाता रहूँगा। कुल मिलाकर गुना का चुनावी संग्राम दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है और अब सिंधिया की तरह उनके युवराज ने भी तूफानी अंदाज में प्रचार शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।